भोजपुर के तियर थाना क्षेत्र के हेतमपुर गांव में बुधवार की दोपहर हथियारबंद लोगों ने बाप बेटे को गोली मार दी। जख्मी बाप को दाहिने हाथ में उंगली में गोली लगी है जो आर पार हो गई, जबकि उनके बेटे को दाहिने पैर में जांघ पर लगी है जो अंदर फंसी हुई है। घटना को लेकर आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई है। जख्मी बाप बेटे को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया जहां उनका इलाज कराया जा रहा है। तियर थाना के हेतमपुर गांव में चली गोली। जानकारी के अनुसार जख्मियों में तियर थाना क्षेत्र के हेतमपुर गांव निवासी 56 वर्षीय श्री राम सिंह यादव एवं उनका 21 वर्षीय पुत्र सोनू कुमार यादव शामिल है। इधर राम सिंह यादव ने बताया कि उन्होंने अपने बेटे सोनू कुमार यादव की शादी गढ़हनी थाना क्षेत्र के इंग्लिशपुर गांव में की है। आज सुबह मेरी बहू का भाई अपने चाचा व अन्य साथियों के साथ मेरे घर पर आया और बोला कि मैं अपनी बहन को आज ही ले जाऊंगा। श्री राम सिंह यादव ने कहा कि सूचना देकर आने पर रीति रिवाज से विदाई करूंगा। इसी बात को लेकर उनके साथ नोकझोंक हुई, जिसके बाद उन लोगों ने पहले लाठी डंडों से पिटाई शुरू कर दी। बीच बचाव के दौरान उन्होंने फायरिंग कर दी और उनके दाहिने हाथ की कानी उंगली में गोली लग गई, जबकि उनके बेटे को दाहिने पैर के जांघ में गोली लगी है। कैसे गोली लग गया? बोले नहीं सर कि थोड़ा हमारे पतोहू को लाने के लिए चार लड़के लोग आया स्कॉर्पियो लेकर सुबह। हम बोले कि आज के बाद तुम कहियो लिया जाना बाबू। कौन था बोले? हम आज लिया जाएंगे। कौन? और जो हमारे पतोहू का भाई था। अच्छा, हाँ। मुकेश यादव। हाँ। और धक्का धुक्के हमारे से किया, हम जबरदस्ती लिया जाएंगे। हम बोले कि आज के बाद तुम इज्जत से कहियो लिया जाओ, हम भेज देंगे। उसके बोला कि हम एक घंटा के बाद दिखला देते हैं। एक घंटा के बाद वो उधर से परशुराम सिंह, सत्येंद्र सिंह और मुकेश और चार लोग और अज्ञात लोग आए, जो दो आदमी हाथ में बंदूक लिए थे, सत्येंद्र और मुकेश। गोली चलाने लगे वो लोग। हाँ, आकर हमारे लड़का को ठेहुन में गोली से मार दिए और हमको सत्येंद्र मार दिए। तो हम ऐसे लगाए, मेरा नाम श्री राम सिंह यादव। आपके साथ और कौन कौन लोग को गोली लगाए हैं? और कोई को नहीं, दोनों बाप बेटा को लगा। क्या नाम है बेटा का आप? बेटा का नाम सोनू कुमार यादव।